जय श्री महाकाल। सो गाइस वेलकम अगेन टू चैनल। काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग और मैं आया हुआ यहाँ पे उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि दर्शन करना भी हमें। सो बने रहो और देता हूँ आगे ब्लॉग आप लोगों को। बोलो जय श्री महाकाल। और ये हम लोग का कुछ रूम है जिसमें हम लोग तीन दोस्त रुके हुए हैं। ठीक ठाक है, इधर मिरर वगैरह लगा हुआ है, इस साइड में वॉशरूम है। सो बने रहो, दिखाते हैं ब्लॉग का आगे का सीन क्या है। सो भाई हम लोग निकल चुके हैं फाइनली मंदिर घूमने के लिए। और ये रहा कुछ मंदिर की गलियाँ, जो कि भाई इधर फूल वगैरह बहुत चीज मिलेगा आप लोगों को। और इधर काफी होटल वगैरह भी हैं। सो भाई देख सकते हो हम लोग इधर से प्रसाद ले चुके हैं और मंदिर एंट्रेंस में हम लोग घुस चुके हैं और हम उधर से प्रसाद लेके आए हैं। हाँ, और ये रहा प्रसाद जो कि लेके अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। हो यार उज्जैन का भाई, भाई क्या ही मस्त बोलो भाई। और अभी भाई हम लोग आए हुए यहाँ पे ये प्रसाद वगैरह पूरा लेके, और भाई मौसम भी पूरा नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे। भाई होता है ना, थोड़ा सा भी हीट नहीं है भाई। इनफैक्ट ये देखो वेदर देखो आप लोग, भाई क्या सुहाना मौसम हुआ पड़ा है। और भाई देख सकते हो यहाँ पे ये मतलब उज्जैन का बेसिकली महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का कॉरिडोर है इधर मेरे राइट में, और हम लोग एंटर कर ही चुके हैं कतार में हम लोग फाइनली। तो भाई फाइनली हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच, लास्ट किया भाई। अभी तो 12 भी घूमना, अभी तो ये पहला चल रहा है। और यहाँ से हम लोग लगेंगे लाइन यहाँ से जाके भाई। और ये व्यू चेक करो यार, निकल के लेंगे ना भाई। ये देखो लाइन पूरा, देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं फाइनली इधर। और ये देखो ये जो अंदर का लाइन है ये भाई पहले पूरा ही भर जाता, और अभी देखो इधर बस लाइन लगी हुई है इधर, और अभी भीतर का पूरा ही खाली है भाई। अभी तो ये देखो आगे का भाई, टाइम मिल गया आदमी को। ये देखो भाई क्या ही बोले यार, ये अंदर का वाइब देखो भाई। तो भाई फाइनली हम लोग आते हुए इधर आगे चलते हैं भाई। आगे क्या ही बोले भाई, रोक रहे ये लोग, फोन भी उतना अलाउड नहीं है, फिर भी कर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत मिला जुला के भाई। ये तो प्रसाद अपने साथ है ही। और ये देखो भाई पूरा भाई व्यू क्या ही मस्त है भाई, क्या ही बोलूँ भाई। आके देखो गाइस, वाइब तो है ही। सो भाई यही से था अपना एंट्री गेट, और वो देखो उधर हो रहा है उनका पूजा जो सृष्टि के रचयिता हैं। और भाई फाइनली अब यहाँ से फ़ोन बंद करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ से अब मंदिर का ये स्टार्ट है। 10 मिनट्स अभी लगेंगे फिलहाल तो जाने के लिए। और भाई इधर का चेक करिए, पूरा भीड़ रहता है भाई, लेकिन आज पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा। तो गाइस फाइनली ये बोर्ड आ चुका है, अब इससे आगे नहीं लेके जा सकता। सो बाहर निकल के बताता हूँ अंदर का एक्सपीरियंस। ये देखो महाकालेश्वर, तो भाई फाइनली उधर से आदमी महाकालेश्वर और ये ओमकारेश्वर का ही बना हुआ ये करके आदमी बाहर निकल चुका है। और भाई इधर का व्यू देखो भाई एक बार, भाई क्या ही अलग वाइब है भाई। ये पूरा व्यू देखो भाई, और ये रहे हमारे दोस्त लोग। और भाई ये प्रसाद भाई, लेकिन एक स्कैम यहाँ पे चल रहा है जो कि बताना जरूरी है। ये जब भी आप लोगे तो ये आपके दो देंगे आपको, और बोलेंगे कि एक नहीं मिलता है एक वो रख लेते हैं। बट भाई इस स्कैम से हो सके तो बचना। ये देखो दोनों में से लिए बट वो रिटर्न आ गया भाई। सो इस स्कैम से बच के रहना थोड़ा, जो कि हम लोग हो चुके हैं। तो भाई फाइनली हम लोग दर्शन करके महाकालेश्वर से निकल चुके हैं इधर से। और इधर आपको कॉइन भी मिलता है, आप चाहो तो ले सकते हो 100 के 4, जो कि आप पूजा स्थल पे रख सकते हो। और ये भाई उतनी क्राउड फिलहाल तो नहीं है। हम लोग का दर्शन हो चुका है और ये रहा बाहर जाने का रास्ता। और इधर था मंदिर अपना, और हम लोग आ चुके हैं एग्जिट करके बाहर। भाई इधर का सीन देखो यार, भाई भीतर जो वाइब आया ना दर्शन करने पे, मैं क्या ही बोलूं।
भाई। और इधर देखो, इधर पूरा अपना फोटो शूट वगैरह लोग करवा रहे हैं अपना, ये देख सकते हो। और भाई भाई वाइब तो है इसमें। सो भाई फाइनली अपना महाकालेश्वर का दर्शन हो चुका है। अब जो काल भैरव वगैरह जो जो बच गया वो सब हम लोग कल करेंगे। और ये रहा भाई कुछ पीछे का व्यू। तो भाई लोग ये देखो, हम लोग आ चुके हैं खाना खाने। और ये रहा एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है अंगा रेस्टोरेंट, जो कि आपको गेट नंबर 1 पे ही मिलेगा। और ये रहे हम लोग, और ये रहा हमारा खाना जो कि टेस्ट करके बताएंगे। टेस्ट करो भाई, टेस्ट करके बताओ कैसा है। टेस्ट कर रहे हैं भाई, कैसा है भाई? एकदम बढ़िया ना भाई। हाँ भाई चलो भाई खाते हैं, फिर मिलते हैं भाई। बाय बाय। हम लोग अगेन निकल चुके हैं सिप्रा आरती के लिए, जो कि इधर से ये गोलंबर से आप आओगे उधर से क्रॉस करके तो इधर टाउन पे पड़ेगा। और इसको देखो भाई, अब यहाँ से नीचे जाना है और फिर उसका सिप्रा आरती अटेंड करना है भाई। वो बहुत सही चीज़ है भाई, मैं देख रखा हूँ उसको यूट्यूब वगैरह पे भाई। चलो देखते हैं, मैं मेरा भी फर्स्ट टाइम है, और आप लोग भी भाई गए होगे तब तो भाई देख ही हो गए, और नहीं गए होगे तब तो आप लोग भी पहली बार ही देख रहे होगे। सो चलो चलते और सीधा वहाँ पे चल कर निकालता हूँ मैं फिर फ़ोन, और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर ब्लॉग। तो आ चुके हैं फाइनली सिप्रा घाट, जो भी रिवर है, और इधर ही होता है आरती। नहीं नहीं इधर से ही चलो। तो भाई ये रहा अपना सिप्रा घाट, और ये हो रही आरती। और भाई ये देखो शिवलिंग नंदी भगवान। तो भाई ये देखो एक भारत माता मंदिर रह गया था, सो हम लोग सोचे यही कवर कर लेते। भाई यहाँ पे घुसते यहाँ पे बनाया गया है कि कहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग है, और वो दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई यहाँ पे जहाँ जहाँ टैग रखा हुआ है ना, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग मतलब इंडिया में जो वो है, फिर बाहर तो है ही। देखो भाई हाँ आ जाओ भाई। और ये रहा भाई भारत माता का टेम्पल, जो कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं भाई। इधर से एंट्रेंस था, और ये रही भारत माता का मंदिर। और भाई फिर इधर से एग्जिट कर जाओ मस्त अपना। देखो कितनी छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची भाई, मस्त है पूरा। और भाई ये देखो इधर से पूरा वो घाट दिख रहा है, कोई तो घाट है जो कि दिख रहा है, मेरे को भी नहीं पता लेकिन दिख रहा है भाई। मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से तो, सही है यार। बस भाई यही है भारत माता मंदिर। अब बाकी का भाई सच में अब कल मिलते हैं भाई। अब बहुत हो गया भाई, पूरा पैर लग रहा है। एक तो भाई खाली पैर घूम रहे हम लोग दिन से, एग्जॉस्टेड लग रहा है भाई पैर पूरा। चलो भाई मिलते हैं अब कल नेक्स्ट व्लॉग में।